आज हम न्यू प्रिंसिपल स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर थर्ड लेकर आए हैं, मूव ऑन पेंट, यानी कि पेंट के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यू नो अबाउट द पेंट प्रोग्राम इन विंडोज, इट इज़ यूज टू मेक ड्राइंग्स ऑन अ कंप्यूटर। डू यू रिमेंबर द रिबन ऑन ऑफ पेंट? द रिबन कंटेन टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। यानी कि हमने यहाँ पे पेंट प्रोग्राम में बहुत सारे विंडोज देखी है जो हमें यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में ड्राइंग और सारी चीज़ों के लिए काम आती है। इन चीज़ों को हमें यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ हमें यहाँ पे दी गई, इसे हम रिबन कहते हैं। ये रिबन में ये हमारे ऊपर दिए गए हैं टैब्स और ये सारे हमारे दिए गए हैं ग्रुप्स, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। We have already learned how to use line, rectangle, oval, fill with color, pencil, magnifier, eraser, brushes, your previous class. यानी कि हमारी जो पहली क्लास थी तो आपने वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी थी, किस तरीके से हम ये सारे शेप्स को हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हमें दी जाती हैं। Look at the tools and shape group in a home tab of a ribbon. हमारे जो होम टैब होती है उसमें ये हमें दिया गया है। ये हमारे टूल्स ग्रुप है और ये हमारे शेप्स ग्रुप है। टूल ग्रुप्स में हमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। फिल विथ कलर, इसमें हम कलर्स को फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट, यानी कि जो लिखना हो लिख सकते हैं। ब्रशेस, पेंट वगैरह करना हो। मैग्नीफायर, जूम करके कोई चीज़ देखनी हो। पेंसिल, पेंसिल से हम पेंसिल की तरह जैसे लिखते हैं नोटबुक में वैसे लिख सकते हैं। इरेजर, हम इसको रब कर सकते हैं। पिक कलर, यानी कि कोई भी पेंट में से हमें पिक्चर अच्छी लगती है तो हम इस पिक कलर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिए हुए शेप्स, तो शेप्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के होते हैं। ये हमें दिया हुआ है कर्व, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। ये ओवल, अंडे के आकार में दिया होता है। ये रेक्टेंगल हमें फॉर्मेशन में दिया हुआ है। ये एक लाइन दी गई है। ये हमारा दिया हुआ है पॉलीगॉन। तो इस तरीके से हमारे शेप ग्रुप्स हैं वो हमें दिए गए हैं। अभी हमारे दिए गए ब्रशेस, हम ब्रशेस की और हेल्प से क्या कर सकते हैं। ब्रशेस हैज डिफरेंट शेप ऑफ ब्रशेस पर्टिकुलरली यूज फॉर फ्री हैंड ड्राइंग, यानी कि ब्रशेस हम अलग अलग तरीकों से शेप्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं हमें करना हो तो। ये हमें दिया हुआ है टेक्स्ट, इज़ यूज टू राइटिंग टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया। हमें कोई भी लिखावट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। फिर हमें दिया हुआ है पिक कलर, पिक कलर हमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ में से कलर उठाना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमें दिया हुआ है कर्व्ड, यानी कि हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन करनी हो तो हम कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन इज़ यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंड बाय स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की मदद से हम शेप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइंग ऑफ पिक्चर, अगर हमें पिक्चर क्या करनी हो, बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये हमें पिक्चर दी गई, इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे कि कैसे इस पिक्चर को हम बना सकते हैं। लेट अस यूज़ वेरियस टूल्स ऑफ पेंट एंड ड्रॉ द पिक्चर शोइंग इन द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हम धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। स्टेप वन, क्लिक होम टैब। पहले हमें यहाँ पे होम टैब क्लिक करना है। स्टेप टू, क्लिक पेंसिल फ्रॉम द टूल बॉक्स, यानी कि यहाँ पे पेंसिल को हमें क्लिक करना है। स्टेप थ्री, ड्रॉ अ लाइन एज शोन। हमें पहले इस तरीके की लाइन बनानी है इसका पेंसिल का यूज़ करते हुए। स्टेप फोर, क्लिक ब्रश फ्रॉम द ब्रशेस इन द टूल ग्रुप। हमें क्या करना है, ब्रश ब्रशेस यहाँ पे अलग अलग टाइप के, इसमें से हमें पहला ब्रश को यूज़ करना है। स्टेप फाइव, ड्रॉ द स्टीम एंड ब्रांचेस दैट शोन। हमें क्या करनी है, लाइन से जो लाइंस हमें दिख रही हैं इसकी मदद से हमें ये ब्रांचेस डंडियाँ वगैरह हैं वो बनानी है। स्टेप सिक्स, क्लिक कर्व फ्रॉम द शेप टूल। हमें यहाँ पे कर्व लाइन है वो हमें यहाँ पे लेनी ताकि हम इसको टेढ़ा कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट मौजूद होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, पूरा सीधा नहीं होता है। फिर स्टेप सेवन, ड्रॉ लाइन ऑन अ ब्रांच एज शोन, यानी ब्रांच पे हमें इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनानी है। फिर स्टेप एट दिया गया, नाउ क्लिक अ पॉइंट ऑन अ लाइन एंड ड्रैग इट अपवर्ड, एज यू ड्रैग यू सी अ कर्व लाइन। हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमें तो सीधी हमने बनाई थी इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि टेढ़ी लाइन जो है वो हमारे लिए बन जाएंगी। स्टेप नाइन, क्लिक कर्व फ्रॉम द शेप ग्रुप, ड्रॉ अ लाइन एंड ड्रैग इट डाउनवर्ड, एज यू ड्रैग यू कैन सी अ कम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ अ लेन। इस लाइन को हम जैसे यहाँ पर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऐसी की ऐसी दूसरी लाइन हो जाएगी, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, पत्ता यानी कि लीफ है वो ड्रॉ हो जाएगी। स्टेप टेन, रिपीट द स्टेप सिक्स एंड नाइन एंड ड्रॉ द लीव्स ऑफ, यानी कि हमने जो आगे स्टेप्स देखे उनको वो सब चीज़ों पे रिपीट करना है। पहले लाइन बनानी है, नीचे की तरफ खींचना है तो हमारे लीव्स जो हैं वो यहाँ पर बन जाएंगे। स्टेप इलेवन, क्लिक पेंसिल एंड ड्रॉ फ्रूट फ्लावर्स एंड बर्ड एंड सॉइल एज शोन, यानी कि हमें पेंसिल की मदद से बाकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनानी है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेंसिल की मदद से जैसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं नोटबुक्स में, वैसे हम यहाँ पे बनाए ये पूरा फ्लावर बना दिया, सॉइल वगैरह नीचे फॉर्मेशन डाल दी, या बर्ड वगैरह हमने बना दिए, ऐसे हमें बनाना है। स्टेप 11, यूज मैग्नीफायर टू एनलार्ज
लार्ज द एरिया ऑफ सॉइल एज शोन, यानी कि हमें यहाँ पे अब क्या यूज़ करना है, ये हमारा मैग्नीफाइल, यानी कि ऐसे हम जूम करके देखेंगे कि हमें कैसी चीज़ कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो नहीं हो गई है उस चीज़ के लिए। स्टेप 13, क्लिक पॉलीगॉन फ्रॉम द शेप्स ग्रुप, हमें यहाँ पे फिर से पॉलीगॉन नाम का टूल यूज़ करना है। ड्रॉ अ लाइन एज शोन, इस तरीके की हमें लाइन जो है, यानी कि इस ये जो लाइन नीचे दी गई है वो हमें आपको क्रिएट करनी है। स्टेप 15, क्लिक ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि अलग अलग पॉइंट्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ड्राइंग एज अ शोन, हमें इस तरीके की पॉइंट्स है उसको क्लिक करना है ताकि हम इसका जो शेप है नीचे जड़ है वो बना सके। हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे पूरा हमने नीचे जो है वो जड़ यहाँ पर बना दी है। स्टेप 16, क्लिक ऑन द फिनिशिंग पॉइंट 9 टू क्लोज द फिगर, यानी कि 9 पॉइंट पे हमें छोड़ देना है ताकि ये फिनिश हो जाए पूरा। स्टेप 13, क्लिक मैग्नीफायर अगेन एंड राइट क्लिक टू रिड्यूस द पिक्चर टू इज ओरिजिनल साइज, वापस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है ताकि फिर से हमारी ओरिजिनल पिक्चर है वो, ये तो हमारी जूम वाली पिक्चर थी, एकदम जूम करके हमने बारीकी से इसे बनाया था, ये हमारा पूरा है वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है। स्टेप 18, क्लिक फिल विथ कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, हमें यहाँ पे टूल ग्रुप से फिल विथ कलर यूज करना है ताकि हम इनमें कलर वगैरह कर सके। स्टेप 19, कलर द प्लांट्स एज शोन, जैसे हमें दिखाया गया है हम मनचाहा कलर इसमें हम फिल कर सकते हैं। लेट अस पिक कलर फ्रॉम द रूट एंड स्प्रे द सेम कलर एट वेरियस प्लेसेस ऑन द प्लांट, हमें यहाँ पे रूट से जो कलर वगैरह उठा है उसे हम अलग अलग चीजों से भी डाल सकते हैं। क्लिक कलर पिक फ्रॉम द टूल ग्रुप एंड सी द पॉइंटर द चेंजेस, यानी कि हमें कलर पिक यानी कि उठाकर हम दूसरी जगह भी चीज़ों को डाल सकते हैं, यानी कि एक कलर को उठाया और दूसरे में भी हमने यहाँ पर डाल दिया। क्लिक ऑन द रूट टू पिक ब्राउन कलर, यहाँ पे नीचे जड़ में हम क्लिक करेंगे ताकि हम ब्राउन कलर को ले सकें और दूसरों में यहाँ पर डाल सकें। फिर स्टेप 22, सेलेक्ट एयर ब्रश फ्रॉम द ब्रशेज, यानी कि हमारा एयर ब्रश है जिसे हमें उठाना है और यहाँ पे दूसरों के लिए यूज़ करना है। स्प्रे कलर बाय क्लिकिंग वेरियस प्लेस ऑन द सॉइल, हमारा जो सॉइल है उसमें अलग अलग यानी कि किसी ने कुछ छिड़का है इस तरीके से हमें इसको स्प्रे करना है। स्टेप 24, सेलेक्ट लेफ्ट एरो एंड राइट एरो फ्रॉम द शेप ग्रुप्स एंड ड्रॉ द, यानी कि लेफ्ट और राइट एरोज कुछ इस तरीके से हमें बना देने ताकि हम इनको नाम दे पाए। स्टेप 25, क्लिक टेक्स्ट फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, यही हमें यहाँ पे टूल ग्रुप पे टेक्स्ट दिया हुआ है इसे हमें यहाँ पर उठाना है। स्टेप 26, ड्रैग एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इन द ड्राइंग एरिया, यानी कि हमारे पास जो ड्राइंग एरिया दिया हुआ है उसमें हमें अलग अलग तरीक़ों से क्या करना है, इसमें नाम्स वगैरह हैं वो फिल कर देने हैं। टाइप द टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड एंड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, यानी कि हम इसके बाद नाम लिखने के बाद वो कहीं पर भी हम इसे क्लिक कर सकते हैं। रिपीट द स्टेप 26-27 टू लेबल द अदर पार्ट्स, इन दोनों स्टेप्स को हमें बार बार रिपीट करना है ताकि हम सब चीज़ों को अच्छे से नाम दे पाएँ।